कौन कहता है, दुष्यंत कुमार जी की एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है, कहते हैं कि कौन कहता है कि आत्मा में सुर्ख नहीं हो सकता, कौन कहता है आत्मा में सुर्ख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये जो पंक्ति है बहुत यूज की जाती है मोटिवेट करने के लिए, बहुत अच्छी पंक्ति है। हमें कुछ करना है, खुद को बदलना है, अपने लक्ष्य को कैसे, लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, तो इसके कुछ नियम्स हैं। इसके नियम्स क्या हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो नमस्कार, मैं कामना। हमें खुद को बदलना है, हम कहते हैं बदलना है, और बदलना कैसे है, और वाकई बदलना तो हमें स्वयं को है, क्योंकि हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हमें खुद को बदलना है। और जब हम खुद को बदलते हैं तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं, हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है, ये दुनिया बदले बदले से नज़र आने लगती है, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन हम बदलें कैसे खुद को, खुद पर कैसे वर्क करें, बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को, खुद का अपना जो हमारा गोल है उसे सेट करें। पहला नियम कहता है कि अपना गोल उसे सेट करिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। हमारा लक्ष्य क्या है, जब तक कि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर लेते हैं तब तक हमें क्या करना है हमें यही नहीं पता है। तो पहला नियम कहता है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। लक्ष्य हमारा इतना स्पष्ट होना चाहिए, इतना संयमित होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं उसे हमें विजुलाइज करना चाहिए, उसे हमें लिखना चाहिए, बहुत ही स्पष्ट लिखना चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है। और वो हमारा 6 महीना का एक गोल जो हम सेट करते हैं, और 6 महीना हमें उस पर काम करना है। खुद को समय दीजिए, 6 महीना खुद को समय दीजिए, और फिर देखिए कि हम कैसे बदलते हैं। नियम कहता है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए 6 महीने के लिए। पहले अपने लक्ष्य को लिखिए कि आपका लक्ष्य क्या है, जो कि बहुत ही संयमित होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, कार्यान्वित होना चाहिए। उसके बाद आप खुद पर वर्क करना शुरू करें। हमें हर रोज नई नई चीजें सीखना है, हमें स्वयं को बदलना होगा, स्वयं को बदलना होगा। बदलना कैसे है, हमें ये देखना होगा कि हमारे अंदर कौन सी चीजें, कौन सी कमियां हैं, किन चीजों को हमें बेहतर करना है और इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, क्या काम करना है। हर इंसान में कोई ना कोई कमियां होती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जहां पर हमें लगता है कि इस कमी को, इस चीज को हम सुधार सकते हैं, इस पर वर्क कर सकते हैं, काम किया जा सकता है और उसे बेहतर किया जा सकता है, और वो होता है, बस समय देने की बात होती है, वर्क करने की बात होती है। तो हमारा दूसरा नियम है, दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि आप अपने आप को देखिए कि आपने क्या कमियां हैं, उन पर काम करिए। हर रोज आपको नई चीज सीखनी है, नई चीज सीखने का मतलब आपकी लैंग्वेज हो सकती है, आपकी कोई कोर्स हो सकता है, या आप जो जिससे रिलेटेड, जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती हैं। तीसरा नियम कहते हैं कि आप डेली किताब पढ़िए, डेली एक मोटिवेशनल वीडियो देखिए, डेली कुछ ऐसे लोगों को सुनिए जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, ये करिए। किताब पढ़ने से हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति और भी बढ़ती है, काफी नॉलेज हमारा गेन होता है, वो हमें किताबों से, मोटिवेशनल वीडियोज से या इस तरह चीजों से हमें मिलता है। आपको जो पसंद है अपनी पसंद की चीजें करिए, अपनी हॉबीज को करिए, आपकी हॉबीज क्या है। अपने आप को फिट रखना है, हमारा चौथा नियम कहते हैं कि हमें खुद को फिट रखना है। अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें अपने शरीर के ऊपर भी काम करना है। शरीर के ऊपर काम कैसे करना है, सुबह उठिए, आप पार्क में जाते हैं जाइए, योगा करते हैं योगा करिए, जिम जाते हैं जिम जाइए, पसीना बहाइए, रनिंग करिए, अपने आप को 1 घंटा वहां पर दीजिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे माइंड को
हमारे थॉट्स को, हमारे थॉट्स जो है वो चेंज होते हैं, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे अंदर एक सकारात्मकता आती है, सारी चीजें बदलती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। ये हमारे मेडिटेशन जो है वो हमारा इंटरनली हमारे माइंड को हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा एक हीलिंग है, और जो हमें करना चाहिए हर रोज। आपको 10 मिनट टाइम दीजिए, 15 मिनट टाइम दीजिए, जितना आपके पास टाइम है आप टाइम दीजिए मेडिटेशन करें। पांचवा नियम कहता है कि आप टाइम का उपयोग करिए। हमारा समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, अपने लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना होता है, हम अपने आप को अपने आप से प्रॉमिस करना है, अपने प्रति ईमानदार रहना है और अपने समय का सही उपयोग करना है। आपको समय का कैसे उपयोग करना है? हमारे पास 12 घंटे ही हैं, 14 घंटे ही हैं जो हमारे काम करने के लिए होते हैं। इन 14 घंटों में अगर आप 12 घंटा काम करते हैं, 14 घंटा काम करते हैं, आप 17-16 घंटे, आप जितने भी घंटे आप काम करते हैं, उन घंटों में आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस समय आपको कौन सा अपना काम कंप्लीट कर लेना है। आपको सुबह पहले उठना है, अपने वर्कआउट कंप्लीट करना है, उसके बाद आप जो भी दिनचर्या आपकी होती है वो आप शुरू कर सकते हैं, उस पर काम करिए, टाइम के हिसाब से करिए। सातवां नियम कहता है कि सबसे पहले जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आप कैसा बिहेव करते हैं, आपका नेचर कैसा है, आप उस पर वर्क करिए। आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप उस पर वर्क करिए। आप उन हर चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर काम करिए, अपने आप को देखिए मिरर पर, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, खुद से बातें करिए, खुद को समय दीजिए, क्या कमियां हैं, कैसे कम्युनिकेशन करना है। फिर आप बाहर निकलिए अपने दोस्तों के पास, उन पॉजिटिव लोगों के पास जो आपकी लाइफ में आपको, आपकी जिंदगी में आपके लक्ष्य की ओर बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। तो आप उनके पास बैठिए, अपने लक्ष्य के बारे में बात करिए, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, आपकी चिंता करते हैं, उनके पास बैठिए, उनसे कम्युनिकेशन करिए। तो इस कम्युनिकेशन में आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्किल जो है वो डेवलप होती है, और एक नया विजन मिलता है, नए थॉट्स आते हैं, विचार हमारे चेंज होते हैं, अच्छे विचार आते हैं, और काफ़ी मदद मिलती है हमें हमारे गोल तक पहुँचने के लिए, हमारे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। बाहर का खाना, आठवां नियम कहता है कि आप अगर बाहर के खाने के शौकीन हैं तो आप उनसे सबको बंद कर दीजिए। आप उन 6 महीनों के लिए आप घर पर खाना बनाइए। हर इंसान के अंदर एक हॉबीज होनी चाहिए खाने की, फूड की। हमें जिस तरह से एक मशीन के लिए सर चीजें हमें करवाना पड़ता है, ऑयलिंग, ऑयल डलवाना पड़ता है, उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, उसमें उतना तेल पानी डालना पड़ता है ना, हमारे शरीर के लिए भी डेली हमें ज़रूरत है, इसके बिना चलता नहीं है। तो जब हमारा शरीर इसके बिना नहीं चलता, और जब हम बाहर की चीज़ें, वो कचरा, घास फूस जो भी हम खाते हैं, या हम शौकीन हैं या हमारी मजबूरी होती है, जैसे भी खाते हैं, वो हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, हमारी माइंड को इफेक्ट करता है। अगर हम हेल्थी खाना खाएंगे, हमारे विचार भी वैसे आएंगे। हम जिस तरह का भोजन करते हैं, हमारे विचार भी वैसे ही आते हैं। हम तामसिक भोजन करते हैं, हमारे विचार भी तामसिक आएंगे। हॉबीज को अपने बदलिए, अपने अपने खाने की एक हॉबीज बनाइए कि आपको फूड बनाना आना ही चाहिए, शौक होना चाहिए, आप घर पर खाना बनाइए, सिखाइए। तो ये छोटे छोटे नियम है जो आप अपने आप को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 6 महीने के लिए आप फिक्स कर लीजिए, अपने आप संकल्प लीजिए, उसके प्रति आप ईमानदार रहिए, आप दृढ़ निश्चय करिए कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है और अपने ऊपर काम करना है। ये हमें स्वयं पर काम करना होता है, और ये 6 महीने क्या, जब आप इस तरह से नियम से आप अपने आप को ये नियम फॉलो करने लगते हैं, अपने ऊपर वर्क करने लगते हैं हम, तो अपने आप ही हमें 6 महीना नहीं, हमें 2 महीने में ही बदलाव दिखने लगते हैं। और दोस्तों, वाकई इसे कर करके देखिए, इसे करिए, फॉलो करिए, शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास वक्त ही तो है, जो देखा जाए तो बहुत है, और देखा जाए तो वक्त है ही नहीं, वक्त है ही नहीं है, ये वक्त ऐसे निकल रहा है, और जो निकल गया है वो नहीं आना है, और जो नहीं आना है
वो तो चला गया है, बट जो अभी है हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक 6 महीने के लिए इन्हें फॉलो कर करके देखिए।